फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज है संडे, तो आप सबको हैप्पी संडे। तो जैसा कि फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने कल कहा था कि आज मेरे पापा रात को आने वाले हैं, तो मेरे पापा आ गए हैं। तो आज हम लोग पापा को लेके घूमने जा रहे हैं हमारे नए कार पे। तो बने रहना गाइज ब्लॉग पे और देखना और इन्जॉय भी करना। गाइज, आज कार की धुलाई हुई है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है और पापा जो है बैठ गए हैं। ये देखिए, एक बिल्ली भी है। बिल्ली हमारे साथ जाएगी क्या? ये देखिए, पापा बैठे हुए हैं। पापा हेलो कर दो। हेलो गाइस, हम लोग बैठ गए हैं कार पे, आप देख सकते हैं। तो ये देखिए, और ये देखिए दीदी मम्मा, और इधर देखिए बड़े भैया, और सामने रियान है, इधर हमारे राजू भाई है। राजू भाई ड्राइवर है और कार चला रहे हैं। राजू भाई, राजू भाई को हम दिखा नहीं पाए। हम लोग मार्केट में रुके हैं पापा के लिए। भैया जो है जूस लेने गए हैं फल की दुकान पे, तो अभी लेके आएंगे भैया और फिर जाएंगे हम कुछ चटपटा चाट वगैरह खाने के लिए। तो बने रहना गाइस ब्लॉग पे। और रियान हाय बोल दो फ्रेंड्स को। हाँ गाइस, पापा के लिए लेके आए नारियल पानी। पापा आप पियो, एनर्जी आ जाएगा पापा। पहुंच गए हैं ग्लोबस धाम। तो हमारा जो प्लान था, हमने सोचा था कि दिनेशपुर आके हम लोग कुछ चाट पकौड़ा खाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। फिर भाभी ने बोला कि मैं अभी तक ग्लोबस धाम नहीं देखी हूँ, तो मैंने कहा कि चलो फिर हम लोग घूमने चलते हैं और भाभी को भी दिखाते हैं। तो गाइस ब्लॉग में बने रहना, पहले भी आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में ग्लोबस धाम, तो आज फिर से और एक बार देख लीजिए। गाइस नीचे सब लोग बैठ के वहाँ पे फिश पकड़ रहे हैं। आज जो है भाभी फर्स्ट टाइम देखेगी ग्लोबस धाम। भाभी कैसा लग रहा है? भाभी पहाड़ पे आए जैसे घूमने, है ना? सही में गाइस, यहाँ पे आके ऐसे ही लगता है कि पहाड़ पे हम लोग घूमने आए हैं, क्योंकि नीचे से हमें ऊपर जाना पड़ता है और अभी बारिश भी हो रही होगी ना, तो ट्रम पे जो है बहुत पानी है। और फ्रेंड्स को भी बुला लो, रियान आ जाओ फ्रेंड्स। गाइस चारों तरफ देखिए भीड़ ही भीड़ है, और पानी देखिए कितना है अंदर। रियान बेटा इधर आ जाओ। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बोटिंग करने के लिए रुके थे, लेकिन डर लग रहा है पानी देख के, बहुत पानी है और रियान छोटा भी है, इसलिए भैया ने बोला कि नहीं अभी बोटिंग मत करो, डर लगता है पानी देख के, तो नहीं किया बोटिंग। और भाभी के साथ फर्स्ट टाइम आई हूँ, तो भाभी तो देख रही बड़ी खुश हो रही है। और लेकिन गाइस ये एक दिक्कत है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप है। हम लोग दोपहर के टाइम आए हैं ना, तो बहुत धूप है। रियान इधर आ जाओ, चना चटपटी खाओगे? रियान चना चटपटी। यहाँ बैठ के गाइस हम लोगों ने चना चटपटी खाया, अब जो है आगे जाएंगे घूमने। झालमुड़ी खाएंगे। झालमुड़ी कैसा लगा है भाभी? बहुत ज्यादा टेस्टी नहीं बना है? बहुत ज्यादा टेस्टी बना है। नहीं अंकल जी को क्यों हम झूठे तारीफ करें, अगर बहुत ज्यादा टेस्टी बनता तो हम खुद से ही तारीफ कर देते पहले ही। अच्छा
एक गेट छाड़ ले जल बेरा छाड़े जिसमें जल अनेक हुई जाए सीसमें छाड़े गाइस आज नेक्स्ट डे है और शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है। अभी शाम के 7 बज गए हैं, सब संध्या आरती कर रहे हैं। तो आज है जन्माष्टमी, तो आपको गाइस हैप्पी जन्माष्टमी। तो आप लोग जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो बताना मुझे कमेंट करके। आज मेरा बहुत ही अच्छा प्लान था बट मेरा प्लान है वो कैंसिल करना पड़ा क्योंकि एक्चुअली मेरा जो तबीयत है ना वो ख़राब हो गया। कल हम लोग गुलाबुस डैम गए थे ना, वहाँ पर गाइस मैंने खा लिया था आइसक्रीम और आइसक्रीम खाने के बाद फिर मेरा जो तबीयत खराब हो गया और फिर मुझे हो गया खांसी और बिल्कुल भी एनर्जी नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ करूं। और कुछ भी करने से पहले गाइस अगर आपको एनर्जी ना हो शरीर में तो कुछ करने का मन भी नहीं होता है। आज का मेरा बहुत ही अच्छा बढ़िया सा प्लान था कि आज जन्माष्टमी है तो मैं धृति को राधा बनाऊंगी और रियान को कान्हा बनाऊंगी और जो है हम थोड़ा सा प्रोग्राम घर पर ही कर लेंगे, लेकिन नहीं हो पाया। ने सोचा है कि हमारे यहाँ पे ना गांव में ही छोटा मोटा करके जो है जन्माष्टमी बना रहे हैं तो छोटे बच्चे जो है प्रोग्राम करेंगे। तो अगर मैं जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मैं अभी छत पे हूँ, छत पे देखिए ये देखिए और अंधेरा होने ही वाला है और मैंने सोचा कि नहीं आप लोगों से बात करना ज़रूरी है क्योंकि आज मैंने बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बनाया, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था और मेरा ब्लॉग भी कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैं छत पे आके टहल ही रही थी तो मैंने सोचा चलो आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। तो गाइस अगर जाऊँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, ब्लॉग पे गाइस बने रहना। गाइस मैंने बोला था आपको कि मैं झांकी पे जाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं झांकी पे नहीं गई और हमारे गांव में ही जन्माष्टमी का पूजा हो रहा है तो वहां पे गई थी। तो थोड़ी बहुत वहां की क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है। मम्मी का आज जो है फास्ट है तो मम्मी भी वहां पे पूजा करने गई है, अभी भी मम्मी गई है और मैं घर पर चली आई हूँ। तो वहाँ से ये टीका लगाया है राधा वाला, कैसा लग रहा है आप बताना मुझे, मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है ये टीका। तो गई क्यों नहीं झांकी पे ये भी बताती हूँ। एक्चुअली जो है आज मेरी भाभी की जो है मम्मी पापा आए थे तो भाभी जो है घर के काम में बिजी थी, घर में खाना वाना सबके लिए बना रही थी और हमारा जो प्लान कैंसिल हो गया और तबीयत भी मेरी सही नहीं है इसलिए नहीं गई मैं। सो गाइस आशा करती हूँ आज की ब्लॉग अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक तो ज़रूर कर दोगे और शेयर भी ज़रूर करोगे मेरी वीडियो को और कमेंट तो ज़रूर करना गाइस, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। कमेंट पढ़ के मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है तो अच्छे अच्छे कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट सुप्रीम।